ये भी प्रश्न उठाया जाता है, शाखा में भगवा झंडा लगता है, तिरंगा झंडे का क्या? तिरंगे झंडे के जन्म से उसके सम्मान के साथ संघ का स्वयंसेवक जुड़ा है। कुछ साल पहले के इस बयान में ऐसा क्या है जो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है? आखिरकार क्यों 52 सालों तक संघ ने नहीं फहराया तिरंगा? क्या आपको बताई गई अधूरी सच्चाई, मगर उसका सच क्या है? आज हम आपको बताएंगे, क्योंकि खुद मोहन भागवत ने ही पोल खोल दी उस प्रोपोगंडा की जो संघ के खिलाफ चलाया जा रहा है। संघ का पहला शब्द ही राष्ट्रभक्ति है। उसकी पीठ थपथपाई और कहा कि तुम आओ शाम को खुले अधिवेशन में, तुम्हारा अभिनंदन करेंगे। लेकिन फिर कुछ नेता आए, कहा कि उसको मत बुला, वो शाखा में जाता है। तो क्या पीएम की अपील पर आरएसएस ने अपनी डीपी नहीं बदली? क्या ये पीएम और तिरंगे का अपमान है? याद कीजिए, चंद रोज पहले देश के प्रधानमंत्री ने सभी सोशल मीडिया अकाउंट पे अपनी डीपी बदल कर हर तस्वीर में सिर्फ तिरंगा ही लगा दिया। जानते हैं क्यों पीएम मोदी ने 2 अगस्त को ही चुना? पहले ये जान लीजिए, वो इसलिए क्योंकि 2 अगस्त को तिरंगे को डिजाइन करने वाले पिंगली वेंकैया का जन्म हुआ था। पीएम मोदी ने देश की आवाम से अपील की है, आप भी अपनी डीपी बदलें और तिरंगे के सम्मान में कदम बढ़ाएं। कई नेता अधिकारी आम से लेकर खास तक सब अपनी डीपी बदल रहे हैं, मगर इस बीच विपक्ष ने इस संदेश पर भी सियासी खेल खेल दिया, क्योंकि राहुल गांधी ने मुद्दे को लपकते हुए फट से पूछ लिया, क्या पीएम का संदेश आरएसएस तक नहीं पहुंचा? आखिर आरएसएस ने पीएम की अपील के बावजूद अपनी अपनी सोशल मीडिया अकाउंट पर तिरंगे की तस्वीर क्यों नहीं लगाई? और हाँ, जब ये सवाल चारों दिशाओं में गूंजने लगे तो आरएसएस के सह कार्यवाहक अरुण कुमार, अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अम्बेडकर जैसे तमाम आरएसएस के बड़े चेहरों ने अपनी डीपी पर तिरंगा लगा लिया। अब सवाल ये कि क्या वाकई में आरएसएस तिरंगे का अपमान कर रहा है? क्या वाकई में आरएसएस को तिरंगे से नफरत है? और क्या वो अपना भगवा ध्वज पूरे देश में लहराने की ठान चुका है? और आखिरकार सबसे बड़ा सवाल ये कि 52 सालों तक आरएसएस मुख्यालय पर तिरंगा क्यों नहीं फहराया गया? तो आज इसका सच भी जानिएगा, मगर पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत का ये पुराना बयान सुन लीजिए। ये भी प्रश्न उठाया जाता है, शाखा में भगवा झंडा लगता है, तिरंगा झंडे का क्या? तिरंगे झंडे के जन्म से उसके सम्मान के साथ संघ का स्वयंसेवक जुड़ा है। मैं आपको सत्य कथा बता रहा हूं। निश्चित होने के बाद, उस समय तो चक्र नहीं था, चरखा था ध्वज पर। पहली बार फैजपुर के कांग्रेस अधिवेशन में उस ध्वज को फहराया गया, 80 फीट ऊंचा ध्वज स्तंभ लगाया था, नेहरू जी उसके अध्यक्ष थे। तो वो बीच में लटक गया, ऊपर पूरे जा नहीं सका, और इतना ऊंचा चढ़ के उसको सुलझाने का साहस किसी का नहीं था। एक तरुण भीड़ में से दौड़ा, वो सरसर उस खंभे पर चढ़ गया, उसने वो रस्सियों की गुत्थी सुलझाई, ध्वज को ऊपर पहुंचा के नीचे आ गया। तो स्वाभाविक, लोगों ने उसको कंधे पर लिया, नेहरू जी के पास ले गए, नेहरू जी ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा कि तुम आओ शाम को खुले अधिवेशन में, तुम्हारा अभिनंदन करेंगे। लेकिन फिर कुछ नेता आए, कहा कि उसको मत बुला, वो शाखा में जाता है। जलगांव में फैजपुर में रहने वाले श्री किशन सिंह राजपूत नाम के वो स्वयंसेवक थे। उस समय 5 वर्ष या 6 वर्ष पहले उनका देहांत हो गया, वृद्ध हो गए। डॉक्टर हेडगेवार को पता चला, डॉक्टर हेडगेवार प्रवास करके गए। डॉक्टर हेडगेवार ने उनको एक छोटा सा लोटा चांदी का छोटा सा पुरस्कार के रूप में भेज दिया, उसका अभिनंदन। चलिए अब आरएसएस और तिरंगे को लेकर कांग्रेस के भ्रम के जाल की हकीकत को भी जान लीजिए कि सच क्या है। दरअसल सच ये है कि साल 1947 और फिर 1950 में आरएसएस ने नागपुर मुख्यालय पर तिरंगा फहराया, ऐसा दावा किया जाता है। 1950 में देश में नेशनल फ्लैग कोड लागू किया गया, इसके मुताबिक तिरंगा सिर्फ और सिर्फ सरकारी इमारतों पर फहराया जाना था। साल 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सरकार की इस मनमानी को रोका और कहा ये फैसला सही नहीं। साल 2002 तक इस नियम के मुताबिक भी तिरंगा नागपुर के आरएसएस मुख्यालय पर नहीं फहराया जा सका था। कुछ लोग कहते हैं कि साल 2002 में इसके बाद ही आरएसएस ने पहली बार अपने मुख्यालय पर तिरंगा फहराया था। यानी सच्चाई तो ये है कि साल 2002 से पहले प्राइवेट प्रॉपर्टी पर तिरंगा फहराना गैर कानूनी था,
नागपुर के आरएसएस कार्यालय में तिरंगा नहीं फहराया गया। और हाँ, जहाँ तक बात अब तिरंगा फहराने की है, तो आरएसएस को जल्द अपनी स्थिति साफ कर देनी चाहिए। वैसे भी संदेश तो पीएम का है। और हाँ, हर पार्टी और हर संगठन का एक झंडा होता है, आरएसएस का भी है भगवा, मगर देश का झंडा तो तिरंगा है और तिरंगा सबसे ऊपर है। ये भी प्रश्न उठाया जाता है, शाखा में भगवा झंडा लगता है, तिरंगा झंडे का क्या? तिरंगे झंडे के जन्म से उसके सम्मान के साथ संघ का स्वयंसेवक जुड़ा है। वैसे तो भागवत समझा चुके हैं कि आरएसएस का एक एक कार्यकर्ता तिरंगे का उतना ही सम्मान करता है जितना कि भगवे का। जहां तक कि देश के युवाओं को राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र के प्रति देशभक्ति भी आरएसएस ही सिखाता है। मगर फिर देश बंटवारे के लिए जिम्मेदार कांग्रेस को सर्टिफिकेट क्यों चाहिए कि आरएसएस अपनी डीपी पर तिरंगा कब लहराएगा? जानते हैं, कांग्रेस जिस सीपीएम और डीएमके के साथ अपना हाथ मिलाती थी, उन्होंने अपने मुख्यालय में तिरंगा नहीं फहराया, तो क्या इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है? और अगर है तो फिर वो देश से माफी कब मांगेंगे? खैर, सियासत में अपना फायदा ही सबको दिखता है, तो क्या कांग्रेस को ये डर सताता है कि जब तक आरएसएस मजबूत है तब तक वो सत्ता के अपने सपने को कभी पूरा नहीं कर पाएगी, इसलिए कभी वो गांधी जी की हत्या का आरोप आरएसएस पर लगाती है और बैन करती है, तो कभी बेबुनियाद आरोप लगाकर आरएसएस को बदनाम करने की साजिश करती है। मगर क्या कांग्रेस को उसकी चाल अब उल्टी पड़ती हुई दिखाई दे रही है? तभी तो आज आरएसएस को जितना लोग प्यार करते हैं, आज जितने स्वयं सेवक आरएसएस के पास हैं, उतने तो कांग्रेस के पास अपने कार्यकर्ता नहीं बचे। तो फिर ये दुष्प्रचार कांग्रेस का आखिरकार कब खत्म होगा? मगर सवाल तो अब भी वही है कि बीजेपी को आरएसएस जमीन पर मजबूत कर रही है, और उसी बीजेपी पर आरएसएस की वजह से अब सवाल खड़े हो रहे हैं तिरंगे को लेकर। तो क्या आने वाले दिनों में भागवत इन सवालों का जवाब खुद देंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।